नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। अभी कुछ ही दिनों बाद हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार जिसको हम दीपावली के नाम से जानते हैं वो आने वाला है। और जैसे कि आप जानते हैं कि दीपावली जो होता है वो रोशनी का त्योहार होता है, और रोशनी वो भी लाइट की नहीं, रोशनी होती है दीपकों की, यानी दीपक की। तो दिवाली के दिन दीपदान का क्या महत्व है, यानी दीपावली के दिन दीपक जलाने का क्या महत्व है, किस स्थान पर दिवाली के दिन किस किस स्थान पर हमें दीपक जरूर जलाना चाहिए, और ऐसे कौन से स्थान है जहां पर दीपक बिल्कुल भी नहीं जलाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि ऐसे कौन कौन से स्थान है हमारे घर के जहां पर दीपक जलाना बहुत जरूरी है दीपावली के दिन। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप दीपक जलाएं, दीपावली की बात कर रहा हूं, तो उस समय दीपकों का पूजन जरूर कर लें। बहुत सारे लोग क्या इधर जलाया दीपक और रख दिया उठा के, नहीं, पहले पूरे दीपक जला लें, एक थाली ले लें, बड़ी सी थाली, उसमें सारे दीपक रख दें, सारे को जला लें और उनको फिर पूजा कर दें, एक साथ सभी के ऊपर कुछ कुछ पूजा कर दें, और उसके बाद ही फिर आपको दीपक अपनी जहां पर रखना है वहां पर रखिए। अदरवाइज आप बिना पूजा किए दीपक रख देंगे तो उतना महत्व उसका नहीं होता जितना पूजा के बाद होता है। तो चलिए बात करते हैं हम पहला दीपक। तो पहला दीपक आपको रखना चाहिए अपने घर की चौखट पर, यानी जो आपका मेन गेट है, मेन गेट के दोनों साइड आपको दीपक जलाकर रखना चाहिए, क्योंकि यहीं से माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है। और दूसरी बात यह कि सारी नेगेटिव एनर्जी भी इसी द्वार से अंदर आती है, तो अगर दीपक जलेंगे तो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं आएगी और आपके घर जो है सुख शांति बनी रहेगी। दूसरा दीपक है घर के जो ब्रह्म स्थान होता है, ये कह सकते हैं कि आंगन जो होता है वहां पर आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए। ये ब्रह्म स्थान के ऊपर दीपक जलाने का बहुत महत्व है, और इसको अगर रात भर जलता रहने दे तो बहुत ही अच्छी बात होती है। यहाँ पर दीपक जलाने से घर परिवार के सभी सदस्य के अंदर संतुष्टि बनी रहती है, यानी वो हर बात से संतुष्ट रहते हैं। तीसरा स्थान आपके घर का मंदिर है, जो जहां पर भी आप अपने घर में पूजा पाठ करते हो वो जगह जो है वो आपके लिए मंदिर है, तो आप वहां पर दीपक जरूर जलाएं, और अगर पांच की संख्या में अगर आप दीपक जलाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो तीसरा स्थान हो गया घर का मंदिर या घर का पूजा स्थान, क्योंकि ऐसा करने से घर में समृद्धि बनी रहती है। चौथा स्थान आपको क्या करना है कि चार मुखी चार दीपक लेना, यानी दीपक लिया उसमें चार बत्ती लगा दी, या दो बत्ती को ऐसे क्रॉस में लगा दी तो चार मुंह हो जाएंगे उसके। तो चार बत्तियों वाले चार दीपक लेना है, और घर के चारों साइड, ये जो घर के जो चार कोने होते हैं उन चारों कोनों में इन दीपक को आपको जलाना चाहिए। और साथ ही भगवान गणेश से घर की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि चार मुंह का दीपक जो होता है भगवान गणेश के लिए जलाया जाता है। अगला दीपक आपको तुलसी जी के स्थान पर जलाना चाहिए, जहां पर आपने घर में तुलसी रख रखी होगी उस स्थान पर आपको दिया अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि तुलसी जी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको तुलसी के पास दिया जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान विष्णु प्रसन्न है तो मां लक्ष्मी भी प्रसन्न हो ही जाएगी। जो अगला दीपक है ना, छठा दीपक है, वो आपको अपने घर का जो पानी का स्रोत है, यानी जहां से आप पानी लेते हो या पानी आता है, या फिर कह सकते हो कि आपके घर के जो बर्तन है, जो पानी के बर्तन जहां रखे रहते हैं, चाहे घड़ा हो या मटका हो, कहीं भी जहां आप रखते हो, जिसको हम परिंडा भी बोलते हैं, वहां पर आपको दीपक लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप परिंडे पे, यानी कि पानी वाले स्थान पे अगर आप दीपक लगाते हो तो आपके जो पूर्वज है, जो आप इस दुनिया में नहीं है, वो इससे प्रसन्न होते हैं, और अगर पूर्वज प्रसन्न है, आपके पुरखे प्रसन्न है, तो वो आपको भी प्रसन्न ही रखेंगे। सातवां दीपक आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना चाहिए, पीपल का वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए तो उनको प्रसन्न करने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे आपको दिया अवश्य जलाना चाहिए। इससे क्या होता है कि घर में जो आने वाली समस्या है उसकी मात्राएं कम होती है, घर में कम समस्या आती है। आठवां दीपक जो है वो घर की जो रसोई है, यानी कि जो आपका किचन है, किचन में आपको एक दिया जरूर लगाना चाहिए लक्ष्मी पूजा के बाद, क्योंकि किचन में दिया जलाने से माता अन्नपूर्णा प्रसन्न रहती है, और अगर माता अन्नपूर्णा प्रसन्न रहेगी तो हमारा पेट हमेशा भरता रहेगा। अगला दीपक आपके घर के आसपास अगर कहीं पर मंदिर है तो मंदिर में जाकर आपको दिए जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि मंदिर में दिए लगाने से सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। जहां मैंने बोला वहां तो लगाई, लेकिन साथ में मंदिर में जाकर दिया अवश्य लगाए, एक, पांच, ग्यारह, कितनी की भी संख्या जितनी आपको बन सके उतनी संख्या में जाके आप मंदिर में दिया जलाना चाहिए। जिस प्रकार से आप अपने घर को रोशन कर रहे हो उसी प्रकार से आप मंदिर को जाकर भी रोशन करिए, क्योंकि जब आप भगवान के घर को रोशन करोगे तो आपका घर तो रोशन हो ही जाएगा। अगर आप ग्रहों की समस्या से परेशान है, यानी कि आपको जो ग्रह है बहुत परेशान कर रहे हैं और इस परेशानी से आपको निकलना है, तो दिवाली की रात
आपको बेल पत्र के जो पेड़ आता है उसके नीचे दिया जलाना चाहिए, आंवले के पेड़ के नीचे दिया जलाना चाहिए, और शमी के पेड़ के नीचे अगर आप दिया जलाते हैं तो इससे आपकी जो ग्रह संबंधी प्रॉब्लम है वो दूर होती है और आपके ऊपर भगवान शंकर की कृपा बनी रहती है। अगला दीपक जो है वो आप सोचेंगे कहां पर बोल रहे हैं पंडित जी, लेकिन अगला दीपक जो है आपको कचरा स्थान पर जलाना चाहिए, जहां पर आपके घर में ज्यादा कचरा पड़ा हो, कूड़ादान जिसको अपन बोलते हैं, वहां पर भी एक दिया जरूर जलाना चाहिए। इसके अलावा कहीं पर भी आपके घर के आजू बाजू अगर आपको कोई ऐसा स्थान मिले जो अंधेरा वाला स्थान हो, जिसको हम भूतों का वास कहते हैं, वहां पर भी आपको एक दिया जरूर जलाना चाहिए। कभी भी कोई पूजा करें और खासकर बड़ी पूजा, जैसे हम दिवाली की पूजा कर रहे हैं, तो दिवाली की पूजा के दिन आपको अपनी कुल देवी या देवता के लिए अवश्य दिया जलाना चाहिए, चाहे वो कितनी भी संख्या में आप जलाएं, लेकिन उनके नाम का दिया अवश्य जलाना चाहिए। अगर कुल देवी देवता आपके प्रसन्न नहीं, हो सकता किसी के कुल देवता हो, या जैसे हमारे कुल देवी है, तो कुल देवी और कुल देवता के निमित्त आपको दिवाली के दिन दिया अवश्य लगाना चाहिए, जिससे कि अगर वो प्रसन्न हो गए, कुल देवी और कुल देवता अगर आपके ऊपर प्रसन्न हो गए, तो सारे लोग आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी तरक्की दिन ब दिन होती जाएगी अगर आप उनके नाम का दिया जलाते हैं। तो अगला जो दीपक है वो अपने पितरों के नाम का जलाइए, जो भी इस दुनिया में नहीं है उनके नाम का अगर आप दिया लगाते हैं तो उनका आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहता है, और किसी भी इंसान जो जीवित इंसान है उसके ऊपर उनके पितरों का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। अगर उनके ऊपर उनके पितरों का आशीर्वाद होता है तो वो इस दुनिया में कुछ ना कुछ कर पाते हैं, अदरवाइज अगर उनका आशीर्वाद नहीं है, वो रुष्ट है आपसे, तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितनी भी मेहनत कर लीजिए, लेकिन वो आपको सफलता नहीं मिलेगी जो मिल सकती है। तो ये मैंने बताया, तो इतने मैंने स्थान आपको बताए जहां पर आपको दिए जलाना चाहिए। वैसे तो दिवाली के दिन हर जगह दिए जलाना चाहिए, हर जगह रोशन होना चाहिए, लेकिन ये कुछ खास जगह ऐसी है जिनके ऊपर अगर आप दिए जलाते हो तो उससे तो इनसे आपको विशेष लाभ मिलता है। अब मैंने शुरू में आपसे कहा था कि मैं ऐसे स्थान भी बताऊंगा जहां पर दिया बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए, तो ऐसे स्थान होते ही नहीं है जहां पर दिया नहीं जलाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे स्थान जहां पर आग लगने का डर हो वहां पर दिया बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, लोग कहीं पर भी दिया लगा देते हैं या कहीं पर भी मोमबत्ती या कुछ भी लगा देते हैं, उससे कई बार ऐसा आपने सुना होगा कि दिवाली के दिन बहुत सी आगजनी की घटनाएं हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं अगर आग लगने का जहां खतरा हो वहां पर दिया बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, और अगर लगाते भी हो तो आप दिया जब तक जले तब तक वहीं रहिए और फिर ही वहां से वापस आइए। ये तो था आज का वीडियो। अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस दिन कितने दीपक जलाना चाहिए। देखो अभी हमने बात कर ली कि कौन कौन सी जगह पर दीपक लगाना चाहिए, अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस दिन कितने दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि हमारे 5 दिन का त्यौहार होता है, इन 5 दिनों में किस दिन कितने दीपक जलाना चाहिए इसका भी विधान है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको जानना है कि कौन से दिन कितने दीपक जलाना है तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तो आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।